हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे मिलिट्री इंजीनियर सर्विस न्यू रिक्रूटमेंट 2024 के बारे में, जिसकी आवेदन बहुत ही जल्द शुरू कर दी जाएगी। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए हम फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम मिलिट्री इंजीनियर सर्विस न्यू रिक्रूटमेंट 2024 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें, तो अगर आपने इंडिया के किसी भी बोर्ड से 10वीं या 12वीं पास की है, उसके साथ साथ आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, तो ही आप इस फॉर्म के लिए आवेदन कर पाएंगे। अगर हम एज लिमिट की बात करें, तो मिनिमम एज लिमिट 18 साल से लेकर मैक्सिमम एज लिमिट 25 साल तक की आपकी एज है, तो ही आप इस फॉर्म के लिए आवेदन कर पाएंगे। अगर हम एज रिलैक्सेशन की बात करें, तो आपको एज रिलैक्सेशन भी दी जाएगी गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंग। अगर हम एससी एसटी कैंडिडेट्स की बात करें, तो 5 साल और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 3 साल की छूट दी जाएगी। अगर हम मिलिट्री इंजीनियर सर्विस न्यू रिक्रूटमेंट 2024 एप्लीकेशन फीस की बात करें, तो सबसे पहले जनरल एंड ओबीसी कैंडिडेट्स की बात करें, तो 100 रुपये की फीस रखी जाएगी। एससी एसटी एंड फीमेल कैंडिडेट्स की बात करें, तो एससी एसटी एंड फीमेल कैंडिडेट्स के लिए नील यानी कोई भी फीस पे नहीं करना है। अगर हम पेमेंट मोड की बात करें, तो हमारा पेमेंट मोड ऑनलाइन मोड रखा जाएगा। आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग किसी भी माध्यम से आप अपना फीस पे कर पाएंगे। अगर हम मिलिट्री इंजीनियर सर्विस न्यू रिक्रूटमेंट 2024 डिटेल्स चेक करें, तो सबसे पहले रिक्रूटमेंट ऑर्गेनाइजेशन नेम की बात करेंगे, यानी रिक्रूटमेंट नेम की, तो आर्मी मेस रिक्रूटमेंट 2024 रखी गई है। ऑर्गेनाइजेशन नेम की बात करें, तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन नेम मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस की तरफ से यह वैकेंसी निकाली गई है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें, तो हमारा टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 41,822 पदों के लिए ये भर्ती आपको देखने को मिल जाएगी। अगर हम सीट्स की बात करें, तो ग्रुप सी पदों के लिए भर्ती रखी जाएगी। अगर आप ऑफिशियल साइट पर विजिट करना चाहते हैं, तो इस वाले लिंक पे विजिट करके आप ऑफिशियल साइट पर जा पाएंगे। अगर हम मिलिट्री इंजीनियर सर्विस न्यू रिक्रूटमेंट 2024 सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें, तो हमारा सिलेक्शन प्रोसेस, सबसे पहले हमें रिटर्न एग्ज़ाम देना है, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हमारा किया जाएगा, उसके बाद पीईटी पीएसटी, उसके बाद हमें मेडिकल एग्जामिनेशन देना है, उसके बाद हमारा फाइनल मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा। अगर हम मिलिट्री इंजीनियर सर्विस न्यू रिक्रूटमेंट 2024 इम्पोर्टेंट डेट्स एंड इम्पोर्टेंट लिंक की बात करें, तो सबसे पहले अगर हम इम्पोर्टेंट डेट्स की बात करें, तो ये वैकेंसी आपको अगस्त या सितंबर के महीने में देखने को मिल जाएगी। अगर हम इम्पोर्टेंट लिंक की बात करें, तो इस वाले लिंक पे विजिट करके आप यहाँ से विजिट कर पाएंगे। अगर आप भी आर्मी मेस के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो मैंने इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे प्रोवाइड करा दिया है। और भी इसकी कोई नई अपडेट आती है, तो मैं इसकी जानकारी आपको नेक्स्ट वीडियो में देने की कोशिश करूँगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।